हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका एक और नई ब्लॉग में। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो सर्दियों का टाइम है और सर्दियों में हरी हरी साग इतनी सारी आती है ना, जिसको देख के मन खुश हो जाता है। और हरा साग हर टाइप के जो मतलब बहुत सारे इस समय जो है सब्जियाँ आती है, मेथी लगा लो, बथुआ, मेथी, हरी प्याज, राई, सरसों, चना, पालक, तो इतने सारे होते हैं ना कि इनको हमें अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और ये हर एज के लिए मतलब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इनमें ढेर सारा आयरन, फाइबर्स, इस जो है बहुत सारे मतलब पौष्टिक तत्व होते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे जो चने का साग होता है ना, आज मैं बनाने वाली हूँ। और फर्स्ट मतलब विंटर में जो है फर्स्ट टाइम मेरे घर में आज साग बनने वाला है। तो जो ये चना होता है ना, चने का साग, तो इसके जो डंडियाँ होती है ना, तो इसमें बहुत सारे सबसे अच्छा लगता है ये साग में। तो इनको फेंकिए नहीं, बस इनको कट करके और इनके पे जो रेसे होते हैं ना उनको निकाल लेना है। रेसे अगर हम नहीं निकालेंगे ना तो फिर जो है मुँह में आते हैं वो, क्योंकि ना तो वो घुटते हैं, जब हम घोटते हैं साग को तो वो गलते नहीं है, ना ही वो घुटते हैं, तो वो मुँह में आते हैं उनके रेसे, तो बिल्कुल स्वाद खराब कर देते हैं। तो मैंने अच्छे से जो है साग साफ कर लिया है। आज खूब सारी जो है घर में साग आई है। तो 1 किलो बथुआ, 1 किलो हरी प्याज और 2 गड्डी मेथी, 1 गड्डी जो है पालक और 2 गड्डी धनिया, ये सब मैंने बैठ के साफ किया है। और जो ये साग को साफ करने का होता है ना, तो इसमें मतलब टाइम लगाना पड़ता है, बहुत सारा टाइम हमारा जाता है। लेकिन एक बार जब हम साफ कर देते हैं ना, तो फिर जो है बहुत सारा मतलब ये काफ़ी दिनों तक हमारा चल जाता है। तो चलिए जी, यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर तो मिट्टी उट्टी जो हो जाती है ना, बहुत सारी मिट्टी होती है तो गंदा हो ही जाता है जहाँ पर हम करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने भी झाड़ू लगा दी है और जो मिट्टी निकली है उनको मैंने गमलों में डाल दिया है। तो अब आती हूँ मैं इसको, तो इसको मैंने अंदर आके अच्छे से साग को धोया है, काटा है और अब इसमें कुकर में इसमें 2 विशे लगाऊंगी। उसके लिए मैंने जो है खूब सारी लहसुन की कलियाँ और अदरक को ग्रेट करके डाला है, क्योंकि ये मुँह में आता है ना, जब हम चॉप करके डालते हैं तो बच्चों को बहाना मिल जाता है और बच्चे नानुकुर करते हैं खाने में। तो और हरी मिर्च डाल दी है मैंने इसमें 3 से 4, और इसमें जो 2 विसल लगाई है। और उसके बाद जब कुकर खोला है तो उसके बाद जो है इसमें मैंने आधी कटोरी के आसपास मक्की का आटा डाला है और अब इसको जो है अच्छे से घोटूंगी 8 से 10 मिनट। तो जो घुटा हुआ साग होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका साग बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि हर किसी का साग बनाने का तरीका अलग अलग होता है और अपने टेस्ट के अनुसार ही होता है कि किस तरीके से उनको पसंद आता है। तो हमको इसी तरीके से घुटा हुआ साग जो है बहुत पसंद आता है। स्पेशली गाँव में जब बनता है तो चूल्हे में बनता है ना, तो उसका टेस्ट ही अलग कुछ और होता है। तो आज जो है मम्मी का भी फ़ोन आया था, तो मम्मी के घर पर भी जो है मक्की की रोटी और सरसों का साग बन रहा है। तो मम्मी कह रही थी कि मैं अभी साग ही घोट रही हूँ, मक्की का आटा जो है मतलब रोटियां तब बनेंगी जब पापा लोग जो है अपने कामों से सब भैया लोग आ जाएंगे घर पे, तो गर्मा गर्म बनेंगी। तो जो है मेरे घर में भी मक्की की रोटी और सरसों का साग बन रहा है आज। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से 8 से 10 मिनट जो है साग को घोट लिया है और अब जो है तड़का लगाने की बारी आती है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है इसमें और थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डालूंगी और यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ चॉप भी कर ली हैं, थोड़ा सा अदरक भी चॉप कर लिया है, तो वो सब मैं इसमें ऐड करूँगी। हरी मिर्ची मैं अभी नहीं डालूँगी, आप मतलब डाल सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने काफ़ी सारी जो है साग में भी डाली है और हरी मिर्ची अगर मैं चॉप करके यहाँ पर डालूँगी बच्चों के मुँह में आ सकती है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चॉप करी भी प्याज डाली है, थोड़ी सी इसको ब्राउन करूंगी और उसके बाद जो है इसमें साग ऐड कर दूंगी। तो सॉरी, इसमें मैंने मिर्च मसाले ऐड करूंगी, जैसे कि नमक हो गया, थोड़ी सी डाली है मैंने लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च मैंने काट के डाली है, और खूब सारा मैंने धनिया पाउडर डाला है। और इसमें मैं हल्दी या टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, इससे ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है साग का। अगर हम टमाटर भी ऐड करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साग का जो असली टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा सा दब जाता है, और इसलिए जो है हमें साग का इसी तरीके से खाना पसंद है। तो बस यहाँ प्याज और मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने इसमें साग ऐड कर दिया है। तो साग मैं उतना ही डाल रही हूँ जितना हमें अभी डिनर में लगेगा, और बाकी मैं जितना बच जाएगा 1-2 बारी के लिए उसको मैं निकाल के फ्रिज पे रख दूंगी। तो साग का यही मतलब अच्छा एक अच्छी बात होती है कि इसको हम जो है कुछ मतलब हफ्ते भर तक के लिए जो है साग बॉयल जो साग करते हैं ना उसको खा सकते हैं छौंका लगा के। तो चलिए जी, यहाँ पे साग बन के तैयार हो चुका है, खाने वाले भी हमारे सब रेडी हैं, तो अब जो है बनेंगी गर्मा गर्म मक्की की रोटी। तो
को अच्छी, मतलब पहले जब मैं रोटियां बनाती थी ना तो पानी के हाथ की बनाती थी और इन पे मैं तेल लगा के बनाती थी, जिसमें मतलब खाने में मज़ा भी नहीं आता था और डेली मतलब जब भी बनती तो तेल वाली, तो मतलब थोड़ा सा वो अनहेल्दी हो जाता है और इनके पापा को, बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वैसे भी मेरे घर में जो है तेल, इस तरह मतलब परांठे वगैरह ज़्यादा मतलब अवॉइड ही किए जाते हैं। तो बस अब जो है मैंने इसमें जो है जैसे रोटियाँ बनती है ना वैसी मैं आराम से बना लेती हूँ। और अब चलिए जी अब करते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे साग ले लिया है एक कटोरी में, खूब सारी सलाद ले ली है, गाजर, खीरा, हरी मिर्च और मक्के की रोटी फूली फूली, और जिसमें मैंने लगा दिया है खूब सारा घी और साथ में रख दिया है गुड़। तो गुड़ के बिना तो मज़ा ही नहीं आता ऐसे जो हमारी थाली होती है। तो चलिए जी और इसमें डाल दिया है खूब सारा घी। तो ये है हमारी मक्के की रोटी, सरसों का साग और साथ में गुड़ और एक। तो चलिए जी इनको मैंने इनके लिए थाली लगा दी है, अब देखते हैं इनका क्या रिव्यू आता है, कैसे इनको पसंद आता है। सबसे ज़्यादा ना इन्हीं को पसंद था तो इनकी ही फरमाइश पे जो है साग बनाई गई है, घर में बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। एकदम मस्त। मक्की की रोटी सॉफ्ट है, हाँ बढ़िया है। बढ़िया, चलो भाई। मिर्ची का चार लो, मिर्ची का चार लो, ठीक है। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। ठंडा है, एक ग्लास छाछ भी होती तो नहीं, दिन में बनाएंगे कभी तब छाछ। चलो तो दोस्तों यहाँ पे बन रही है आज हमारी मक्के की रोटी, सरसों का साग, जिसमें मैंने पहले मक्के के आटे को ना थोड़ा सा ऐसे गरम पानी में कर लिया है और फिर हमें इसको मसल मसल के हाथ से करके फिर मैं इसकी गोली बना रही हूँ। तो जो मक्की की रोटियाँ हैं ना वो इजीली बन तो गई थी, लेकिन आज जो है थोड़ा सा आटा मुझसे गीला लग गया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए अंदाज़ा आ गया मुझे। तो चलिए जी, सर्दियों में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सबको गर्मा गर्म खाना खिलाने में, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, संतुष्ट मतलब तसल्ली हो जाती है। तो सब ने खा लिया है और अब मैंने अपने लिए भी दो मक्के की रोटी गर्मा गर्म बना ली है। साग मैंने दोबारा से गर्म किया है क्योंकि आजकल तो पता ही है चूल्हे से निकलते ही जो है खाना सब्जी ठंडी हो जाती है। तो बस यहाँ पे अब डालूंगी मैं इसमें घी, तो सर्दियों में वही यही मज़ा है घी खाने का, क्योंकि घर में मैंने ये सब चीज़ें इंजॉय नहीं कर पाते हैं, मतलब खाने का मन ही नहीं करता है इन सब चीज़ों को। तो सर्दियों में वही है कि घी साग में डाल के खाओ, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, ऐसे हमारे मंडवे की रोटी, इनमें जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और आज के साग में ना मैंने सबसे ज़्यादा रखा है बथुआ। तो आप अपना जो फेवरेट, आपको जो भी साग पसंद है ना उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हैं। बस जो मेथी होता है ना उसको सबसे कम रखा है, जैसे फुल गड्डी थी ना तो उसकी मैंने बिल्कुल चौथाई हिस्सा जो है मेथी का डाला है, क्योंकि मेथी से ना साग में कड़वाहट आ जाती है और साग का टेस्ट खराब हो सकता है। बाकी पालक, बथुआ, कुछ भी हो वो सब आप अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं। तो आज के साग में मैंने सबसे ज़्यादा बथुआ डाला है क्योंकि बथुआ मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है साग में। तो चलिए जी आप भी खा लीजिए और हमारे घर में बनी है एकदम विंटर स्पेशल पहला पहला साग और मक्की की रोटी। तो मैं भी आपको टेस्ट करके बताऊँगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैंने बनाया है। तो चलिए जी नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ अब आपसे, और अब आपसे मैं करने वाली हूँ अपना विंटर स्पेशल मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन, किस तरीके से रहता है मेरा डेली में किचन क्लीनिंग रूटीन मॉर्निंग में। और डेली ही मेरा ऐसा ही रहता है क्योंकि अगर इतना ना करो ना तो बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और किचन में काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है मेरा जब तक ये किचन मेरी अच्छे से साफ ना हो। तो यहाँ पे बस यहाँ पे जो गैस स्टोव है इसको मैं साफ़ करूँगी अच्छे से। तो दिन भर में एक टाइम में साबुन से इसको मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, इससे क्या होता है इसकी ये चमकता तो रहता ही है, साथ में जो इधर उधर तेल वेल के छींटे या फिर कुछ दाग ऐसे होते हैं ना जो जम जाते हैं तो वो भी साफ़ हो जाते हैं गैस चूल्हों के आसपास, मतलब बहुत सी गंदगी ऐसी होती है जो चिपकना शुरू हो जाती है और हमें नजर नहीं आती है। तो डेली डेली एक बारी में साबुन से साफ हो जाए ना तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से गैस स्टोव को साबुन से और उसके बाद जो है उसके नीचे आसपास का एरिया सारा ही जो है उसी से साफ कर लिया है। यहाँ पे मैंने जो अपना बर्तन धोने वाला लिक्विड वॉश होता है ना वही मैंने इसमें डब्बे में ले लिया है और उसी से मैं साफ करने वाली हूँ। तो बस इसके जो आसपास का एरिया होता है ना, खास करके जो हमारा गैस स्टोव के पीछे की वॉल होती है वो बहुत ज्यादा गंदी होती है,
और हर रोज़ ही आप देखेंगे कि उस पर तेल के छींटे आपको नज़र आएंगे, क्योंकि 3 से 4 टाइम का एक दिन में खाना बनता ही है, क्योंकि शाम को भी कुछ ना कुछ बनता ही है। और ख़ास करके जब नाश्ता बनता है ना, तो नाश्ते के बाद ही मेरी ऐसी क्लीनिंग होती है, क्योंकि नाश्ते में जैसे परांठे वगैरह इस तरीके से बनता है, और नाश्ते में वैसे भी मेरा जो खाना होता है ना वो ज़्यादा बनता है, जैसे दाल, एक दाल हो गई, सब्जी हो गई, बच्चों के लिए अलग से लंच नाश्ता इस तरीके से बनता है ना, तो ज़्यादा ही जो है किचन मतलब गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे बस सारा मैंने काउंटर टॉप इसमें सारे में ही मैंने इस डिश जो वॉशर है इससे ही साफ़ कर लिया है, और अब जो है बारी आती है इसको पोंछने की। तो सर्दियों का टाइम है, इसको धोने मतलब जैसे पानी से धो लेते हैं तो वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि गीले कपड़े से ही 2-3 बारी में ही मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, और पूरी किचन को ही मैं 2-3 गीले कपड़े से 2-3 बारी इसको मैं वॉश कर करके जो है साफ़ कर लेती हूँ, और बहुत अच्छे से हमारी किचन साफ़ हो जाती है। स्पेशली मेरा जो ज़्यादा जोर होता है वो इस गैस स्टोव के पीछे की दीवार पे, उसके पीछे का एरिया, उसके नीचे का एरिया, इस पे ज़्यादा वो होता है, जोर होता है कि इसको मैं ज़्यादा साफ़ रखूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारा कुछ ही अच्छे से साफ़ कर लिया है कपड़े से, तो इसको मैंने बार बार जो है पानी से धोती जा रही हूँ कपड़े को, और इससे साफ़ करती जा रही हूँ। चीज़ों को हटा हटा के एक बार ही साफ़ कर लो ना, तो फिर जो है हमें डीप क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और सर्दी में तो आपको पता ही है कि डीप क्लीनिंग की जब सोची जाए तो कितनी ज़्यादा ठंड लगती है। तो डीप क्लीनिंग मतलब वही है, चीज़ों को अच्छे से साफ़ करना, धोना, तो पानी से तो मतलब जितना दूर रहे आजकल उतना ही सही है। बस लास्ट में अब जो है 2-3 कपड़े से मैंने 2-3 बारी कपड़े से मैंने अपनी गैस को पूरी किचन को साफ़ कर लिया है। अब लास्ट में एक सूखा कपड़ा मारने की बारी आती है, तो उससे पहले मैं जो भी मेरे किचन काउंटर में खुले हुए जार या इस तरीके का सामान होता है ना, उस पर मैं ज़रूर एक बारी जो है कपड़ा मार लेती हूँ। इससे क्या होता है कि ये साफ भी रहते हैं और इनको धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है जल्दी जल्दी, और इन पे भी जो है छींटे आते ही हैं, जो हम खुले में रखते हैं ना अपने काउंटर टॉप में चीज़ें, तो उन पे भी तेल के छींटे और चिकनाई ये सब बनती ही बनती है। तो ये रोज़ की रोज़ साफ होती रहे ना, तो किचन बिल्कुल हमारी नीट और क्लीन लगती है, और जल्दी से हमें किसी भी चीज़ को डीप क्लीन करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। बस ये पीछे वाली वॉल जो है इसको भी मैंने एक सूखा कपड़े से मार लिया है। जब हम सूखा कपड़ा मार लेते हैं ना, तो जो हम गीले कपड़े से पोंछते हैं ना, तो उस तरीके के जो दाग बनते हैं ना वो साफ हो जाते हैं, और उसके बाद जो हमारी किचन चमकती है ना वो कुछ अलग ही होती है। और एक साफ़ सुथरी किचन में काम करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो मज़ा आता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं आता है, और उसके बाद जो है हम खुश होके जो है अपने किचन में काम करते हैं। तो यहाँ पे बस किचन की जो पूरी क्लीनिंग है, काउंटर टॉप, गैस स्टोव, उसके पीछे का वॉल वगैरह सारा कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और अब आती है इनको बर्तनों को धोने की बारी। तो सबसे पहले जो गैस के चूल्हे होते हैं, चिमटे वगैरह, और ये जो चकला बेलन परात जो डेली में धुलते ही हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो पहले मैं सबसे पहले इन्हीं को धो के एक तरफ करूँगी, और उसके बाद जो है बर्तनों का काम करूँगी। जो चकला बेलन और ये होते हैं ना, इनको अलग से ही धोना चाहिए, मतलब जूठे बर्तनों में या जूठा जो हमारा जूना होता है ना धोने वाला, उससे हमें नहीं करना चाहिए चकला बेलन को खास करके। तो बस यहाँ पे ये परात है, इसको भी मैंने भिगोने रख दिया था थोड़ी देर पहले, तो बस ये अच्छे से जो इस पे आटा वाटा लगा रहता है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है, और काम करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब जो है सारे बर्तनों की धुलाई होगी। तो स्पेशली जो सर्दियों का टाइम होता है ना, बर्तनों में चिकनाई लगी रहती है ना, तो इस समय पे आप गर्म पानी से सारे बर्तनों पे गर्म पानी डाल दीजिए, उससे जो सारी चिकनाई दूर हो जाती है, और आपके किचन बर्तन धोने भी आसान हो जाते हैं, और सारे बर्तन जो है चमचमाते हुए आपको मिलेंगे। तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों पे साबुन लगा दिया है, अब जो है सिंक को मैं धो लेती हूँ। तो सिंक को धोने के बाद जो है सारे जो साबुन लगे हुए बर्तन है ना, वो अब मैं इसमें रख दूँगी, और उसके बाद जो है इन बर्तनों को पानी से निकाल लूँगी। तो सिंक को अच्छे से धो के उसके बाद, क्योंकि जब हम बर्तनों को धोते हैं या जूठे बर्तन इसमें पड़े रहते हैं ना, तो उसके बाद जो है सिंक में हमारी काफ़ी सारी जूठन इकट्ठा हो जाती है। तो बस अब मैंने सिंक को साफ करके अब इन बर्तनों को मैं साबुन लगा के छोड़ दिया था, अब मैं इनको धोऊंगी। तो यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे, तो इसी वाले एरिया में मैं बर्तनों को धो धो के रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से जो है पानी से साफ कर लिया है, और उसके बाद जो है वाइपर भी यहाँ पे मार लिया है, और अब जो है फटाफट से बर्तनों को धोऊंगी। तो ऐसे ना बहुत जल्दी काम हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है, और जब किचन में सारे काम हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तसल्ली, सुकून मिलता है। तो चलिए जी, यहाँ पे एक एक करके सारे बर्तन धुल जाएंगे, और मेरा तो बर्तनों में मतलब बर्तन जब किचन में चमचमाते हुए रहे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बर्तनों को धोते हुए जैसे साबुन वगैरह जो रह जाती है ना, उसको अच्छे से निकालना है, वरना पता क्या होता है, जब बर्तन हमारे सूख जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो वाइट वाइट से नज़र आते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अगर किसी मेहमान के सामने या घर में किसी भी अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप उन बर्तनों में खाना देते हैं ना, तो बिल्कुल उस समय बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस होती है सच में। और अगर ये गलती हमारी नोटिस
मिस कर दी जाए ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत हम किचन में करते हैं ना उस सब पे पानी फिर गया, सच में मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो चलिए जी, यहाँ पे किच बर्तन मेरे सारे धुल चुके हैं और अब जो है किचन को की सिंक की धुलाई की बारी आती है, तो इसके आसपास का एरिया सारा ही मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, और क्योंकि यहाँ पर भी ना जूठे उठे के जो छींटे होते हैं ना वो सब आ जाते, तो किचन मेरी सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, गैस के जो चूल्हे हैं उनको पोंछ लिया है अच्छे से, और अब देखिए गैस एकदम चमचमाती हुई, सारे बर्तन मेरे चमचमाते हुए जब नज़र आते हैं ना तो किचन में काम करने का अलग ही सुकून मिलता है। सारी सिंक मेरी अच्छे से चमक चुकी है, एकदम साइन साइन सी हो गई है। तो डेली किचन में ऐसे काम होते हैं ना, मॉर्निंग में ऐसी क्लीनिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और खाने बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब हम इस तरीके की हमारी क्लीन नीट और क्लीन किचन रहती है उसमें जब हम खाना बनाते हैं ना तो हम खुश होकर हमारा मन प्रसन्न होकर खाना बनता है। तो चलिए जी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।